मिराल प्रखंड के दुलदुलुआ पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिराल प्रखंड के दुलदुलुआ पंचायत के लोगों को चिढ़ा रही है। सरकार के करोड़ों रुपए की लागत से बना स्वास्थ्य केंद्र हो रहा है हाथी का दांत साबित। इस संबंध में इसी पंचायत के एक व्यक्ति ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी सोच थी कि दुलदुलुआ पंचायत घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसे देखकर सरकार की ओर से यहाँ के लोगों को इलाज कराने बाहर न जाना पड़े, जिसे लेकर दुलदुलुआ पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करोड़ों रुपए की लागत से बनवाया गया, जिसका उद्घाटन झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के द्वारा एक वर्ष पूर्व इस अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया, जो यहां के लोगों में हर्ष का माहौल बना हुआ था। परंतु अब धीरे धीरे जो ग्रामीणों में अस्पताल को लेकर हर्ष का माहौल था, वह अब मायूसी में बदल रहा है। ग्रामीणों का सोच था कि अपनी इलाज अपने गाँव में होगा, परंतु जो आजादी के पूर्व में था वही आज भी दिख रहा है। लोग अपना परिवार साथी संबंधी का इलाज अपने गाँव में न करा कर ही इलाज कराने बाहर का आसरा ले रहे हैं। अब गांव वाले को यह महसूस हो रहा है कि जो सामुदायिक भवन बनकर साल भर से बंद पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए ही यह ऐसे ही बंद पड़ा रहे। तो सर खुला नहीं है, अगर ये खुल जाता तो बहुत यहाँ का बीमारियाँ लोग जितना गढ़वा जो जा रहे हैं यहाँ इलाज होता तो अच्छा होता। ये कौन सा गांव है? ये दुलदुलवा है। अच्छा, ये कब बना था? ये बना है लॉकडाउन में से पहले ही बना था। अच्छा, लेकिन अभी तक चालू नहीं है। इसका उद्घाटन सुनते हैं, उद्घाटन भी हो गया है? हाँ हुआ था, तो उद्घाटन हो गया तो चालू ही हो गया, लेकिन अभी तक तो डॉक्टर लोग यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, हम तो नहीं देखे हैं सर। अगर यहाँ पर डॉक्टर बैठने लगते तो इस गांव को आसानी होती क्या? बहुत आसान पड़ता है। आसान पड़ता ना। मैंने आप लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि चालू हो, तो आगे जो है नेता ग्रेड पर नेता ने आप ग्रामीण, आप ग्रामीण है, ग्रामीण मैंने क्या चाह रहे हैं, चालू हो या ना? चालू होना चाहिए सर, चालू होना चाहिए। हाँ, अगर चालू हो जाए तो इससे क्या क्या फायदा आप लोग को? बहुत फायदा है। हम लोग मान लीजिए कि मरीज को यहाँ से गाड़ी पर लेकर के जाते हैं, उतना देर में यहाँ सेवा हो जाएगा, और नहीं तो प्राथमिक उपचार हो जाने के बाद आगे भी जाना होगा तो यहाँ से सब एम्बुलेंस का भी व्यवस्था यहाँ हो जाएगा, तो हम लोग जाने में सुविधा रहेंगे।